हेलो दोस्तों, आज अपनी बात करते हैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। देखो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें बैठने वाले जो पार्टिसिपेट करते हैं वो काफ़ी लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेस कुछ ही लोग हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग सक्सेस नहीं हुए उन्होंने मेहनत नहीं की है। बहुत सारे लोग अच्छी खासी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं होते। तो सक्सेस लोग और जो सक्सेस नहीं हुए उनमें क्या डिफरेंस होता है? एक उनके हार्ड वर्क का डिफरेंस होता है और दूसरे उनके स्मार्ट वर्क का डिफरेंस होता है। मान लो कि दो स्टूडेंट एक जैसा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनमें से एक सेलेक्ट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है। इसका मतलब दूसरे ने एक साथ साथ में क्या किया है? स्मार्ट वर्क किया है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले तो अपने उसके लिए क्या करेंगे, वो टारगेट बनाएंगे जिसमें अपने को सेलेक्ट होना ही होना है, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या रखना है उस एग्जाम से संबंधित, अपने पास सिलेबस होना चाहिए। हमेशा सिलेबस अपने पास रखिए। सिलेबस हमें बताएगा कि हमें इस क्राइटेरिया के अंदर चलते चलते ये तैयारी करनी है ताकि हम इधर उधर ना भटक जाए। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आप 2-3-4 बार रीड करोगे तो लगभग आपको सिलेबस याद होगा। अब जब आप सिलेबस साथ में उठा रखा है और साथ में आपके सिलेबस जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। आपको ये होगा भी ये टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया कि ये टॉपिक क्लियर कर लिया। एक बार बहुत सारे स्टूडेंट है जो उनको सिलेबस का पता ही नहीं होता, वो तैयारी करते रहते हैं, 2-2 साल से कोचिंग कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, 3-3 साल से कर रहे हैं। अगर सिलेबस का क्राइटेरिया पूछ ले तो सिलेबस का पता नहीं। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। दूसरी चीज, अब जो एग्जाम आप दे रहे हो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर, यानी पुराने जो पेपर है या उससे संबंधित कोई सा भी एग्जाम है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है जैसे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अब कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, उनका लेवल भी क्या है, एक जैसा है। तो जितने भी उस एग्जाम जो अपने देने जा रहे हैं उससे संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके सारों के प्रीवियस पेपर आपके पास होने चाहिए। अब उन प्रीवियस पेपर को आप क्या करो, सेट निकाल के देखो, जिससे आपको ये पता लगेगा कि एग्जामिनर लगभग किस लेवल का क्वेश्चन सेट करता है। दूसरी चीज, आपको ये पता लगेगी कि कोई क्वेश्चन आसान होते हुए भी उसकी लैंग्वेज सिर्फ चेंज करने से वो कैसे टफ हो जाता है। हमारा किसी, हम जब रीडिंग करते हैं वो पुराने पेपर देख लेंगे, उसके बाद जब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग के प्रति हमारा कुछ एटीट्यूड बदल जाएगा। एटीट्यूड कैसे बदल जाएगा, क्वेश्चन और किस तरह से घुमा के दिया जा सकता है, इस बात का भी हमें आइडिया हो जाता है। देखो, कोई एक किताब होती है, मान लो कि कोई भी एक सिंगल बुक है, ये मान लो एक बुक है, आप इसको 10 साल की उम्र में पढ़ोगे तो भी इससे कुछ सीखोगे, इसी बुक को दोबारा 20 साल की उम्र में पढ़ोगे तो कुछ और सीखोगे, 30 साल की उम्र में फिर इस बुक को और पढ़ोगे तो कुछ और सीखोगे, 60 साल की उम्र में और पढ़ोगे तो और क्या होगा, कुछ और सीखोगे। न तो बुक पुरानी होती है न उसका मैटर पुराना होता है, रीडर हमेशा क्या होता है, रीडर का जो एक्सपीरियंस है वो बदलता रहता है। तो आपको उम्र के साथ साथ क्या है, एक्सपीरियंस आ रहा है। अब एक्सपीरियंस क्या करेगा, उस किताब में से कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको एक्सपीरियंस बेसिस आप उसको समझने की कोशिश करोगे। तो आप क्या करोगे, पहले से ही पेपर पढ़ लोगे। कई लोग कई बार बोलते हैं कि पेपर देख के देख लेते हैं आइडिया हो जाता है पेपर कैसा है। मैं तो बोलता हूँ कंपटीशन एक ही बार दो, दूसरी बार दो ही मत, क्यों क्यों दे रहे हो दोबारा, ट्राई के लिए क्यों जा रहे हो, पूरी तरह से तैयारी करिए। आपको देखकर देखना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर मार्केट में लगभग हर एग्जाम के, किसी के तो सीधे सीधे पेपर मिल जाते हैं, किसी के मेमोरी बेस्ड पेपर मिलते हैं, उनको आप निकालिए। तो आप जो एक्सपीरियंस 10 बार कंपटीशन फाइट करने के लिए जाओगे और उसमें फेलियर होके जो एक्सपीरियंस लेके आओगे वो घर बैठे प्रीवियस ईयर के पेपरों से भी तो ले सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आप प्रीवियस पेपर को निकालिए। जो क्वेश्चन आप आसानी से कर देते हैं उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, और जो क्वेश्चन आपको हो रहा है भी आप आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, आसानी से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन पे अपना रिसर्च करिए, ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था, हम यहाँ पे प्रॉपर आंसर क्यों नहीं दे पाए। तो उससे क्या होगा, आपका एक सोचने का नजरिया क्या हो जाएगा, एक अलग होगा। जब आप रीडिंग करोगे, अब रीडिंग करोगे तो आप उसी क्राइटेरिया से सोचोगे, एक ही लाइन के 10 मीनट निकालने की कोशिश करोगे। नहीं तो आप क्या है, ऊपर ऊपर की मोटी मोटी रीडिंग कर दोगे, वहां लैंग्वेज कुछ हो रहेगी, पका पकाया क्वेश्चन कभी नहीं आता, जो आपने रीड किया और सीधा सीधा वो क्वेश्चन आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, बहुत कम होती है। तो सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए। दूसरा, जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो हमेशा आप निकालिए, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि लैंग्वेज कैसे सेट होती है, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जा सकता है और क्वेश्चन को किस अंदाज में दिया जा सकता है। पेपर बनाने वाले का लगभग अपने एटीट्यूड जानते हैं लेकिन 100% तो नहीं जान पा रहे हैं। तो लगभग हम जान जाएंगे तो अब जो अपना मेन एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे अपने प्रीवियस जो पेपर निकाले हैं उसके एक्सपीरियंस बेसिस हमारे कुछ क्वेश्चन क्या होंगे, ज्यादा सही होने के चांसेस होंगे। अब नेक्स्ट जो चीज आती है तैयारी करते समय, आप अपने 24 घंटों में से 6 घंटे ही पढ़ रहे हैं लेकिन 6 के 6 एक्यूरेट पढ़िए,
उसमें न तो आपका कोई मोबाइल ऑन होना चाहिए, न आजकल सोशल साइट है जैसे व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह यूज करो, न आप दोस्तों से बात करो। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप 12 घंटे बैठे हो, आप 6 घंटे बैठे हो, लेकिन 6 घंटे 100% बैठिए, उस समय आपका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए। माइंड कंट्रोल कब होगा? एक तो आपका टारगेट होगा कि मुझे ये एग्जाम निकालना ही है, दूसरा क्या होगा, एक तो आपका टारगेट है भी एग्जाम निकालना ही निकालना है, दूसरा क्या है कि आप ये कहोगे कि हमें क्या है, ये जो रीड कर रहे हैं वो सारा कुछ हमें क्या करना है, सीखना है। अब आप अपना दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाओगे क्योंकि वहां नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप सिर्फ घंटे पूरे करने के लिए पढ़ रहे हो तो बीच में क्या करोगे, फोन उठाओगे, उसमें से मैसेज देख लिया, फिर पढ़ने लग जाओगे, फिर कोई मैसेज आ गया, फिर उसमें देखने लग जाओगे, आपका प्रोडक्टिविटी टाइम बहुत कम होगा। 24 घंटे में से आप 12 घंटे रीडिंग चाहे मत करो, आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन जो पढ़ते हो वो एक्चुअल पढ़िए। आप 6 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, हो सकता है इरिटेशन होने लग जाए, दिमाग अपना काम नहीं करे, सर दर्द होने लग जाए। 1-1 घंटे की स्पेल निकालिए, आधे आधे घंटे की स्पेल निकालिए, 1.5-1.5 घंटे की स्पेल निकालिए, इस तरह से आप अपने स्पेल निकालते जाइए। तो आप क्या करिए, एक टारगेट सेट है, एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हमें ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, उस समय अपना मन 100% बनाइए, फोन बंद रखिए, दोस्तों से बात इधर उधर का ध्यान है वो बंद रखिए, चाहे आप 1-1 घंटे के 6 घंटे का स्पेल पूरा करें, 7 घंटे का स्पेल पूरा करें, लेकिन वास्तव में आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, 7 घंटे, फिर रिजल्ट आएगा। बैठने को तो आप 12-12 घंटे, फिर कहते हो हम तो बहुत पढ़े थे जी, हमारी तो किस्मत ही खराब थी। तो किसी को ये ना कहना पड़े कि हमारी किस्मत खराब है। सिलेबस पास रखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, टारगेट सेट करिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, और जितना आप पढ़ रहे हो, जितना आप डिसाइड कर रहे हो पढ़ने के लिए, उतने का सारा टाइम है वो एफिशिएंट होना चाहिए, यानी इधर उधर के कामों में नहीं होना चाहिए। 24 घंटों में से आप 7 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके पास 17 घंटे पीछे बच गए, 17 घंटे में 7 घंटे सो गए पीछे, फिर भी 10 घंटे बच गए। अब 10 घंटे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो पढ़ने वाले 7 घंटे ही दूसरे काम में क्यों यूटिलाइज कर रहे हो, दूसरे काम के लिए तो आपके पास 10 घंटे हैं, आप तो 7 घंटे एक्यूरेट स्टडी कर लोगे तो भी बहुत है। मैं ये नहीं कहता कि आप 7 घंटे स्टडी करिए, आप अपने टारगेट बड़े सेट करिए, आप 10 घंटे करिए, 12 घंटे करिए, लेकिन किसी को बोलते हो कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद के मन को बोलना होता है आपको कि वास्तव में तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, खुद के मन को ये तुम बोल सको कि मैं 7 घंटे एक्चुअल स्टडी कर रहा हूँ। तो हमेशा कंपटीशन निकालने के लिए खुद से ईमानदार बनिए। अगर खुद को आप खुद से क्वेश्चन करोगे और खुद को जब जवाब दोगे, जब आप 100% ईमानदारी से जवाब दोगे तो आपका एग्जाम 100% निकलेगा। हम कई बार लोगों को बोलते हैं जी हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं, तो हमारा मन पीछे से बोल रहा होता है, अंदर ही अंदर लग रहा होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, 12 घंटे तो बैठते हैं, पढ़ते तो हम 5 घंटे 2 घंटे ही है। तो इस खुद को कम से कम जवाब दीजिए। नेक्स्ट चीज आप ध्यान रखिए, जब सुबह आप मॉर्निंग में उठो, उठने के बाद 5 मिनट खुद को दीजिए। 5 मिनट खुद को देकर आप मन में सोचिए कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या सिलेबस निकालना है, क्या क्या करना है। अब आपने वो सुबह सुबह अपने दिमाग में डिसाइड कर लिया तो आप दिन में उसके लिए काम करोगे। अब शाम को क्या होगा, जब आप सोने वाले होंगे तब फिर से एक बार 5 मिनट खुद को दीजिए। खुद को सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है, 5 सुबह और 5 शाम को, आप 1 मिनट भी नहीं देते होंगे। तो 5 मिनट शाम को वो सवाल कीजिए, जो सुबह मैंने सोचा था वो आज पूरा किया या नहीं किया। अगर आपने पूरा किया है तो बहुत बढ़िया नींद आएगी, अगर पूरा नहीं किया है तो फिर आप सो नहीं पाओगे, फिर वो पूरा करके ही सोओगे। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, खुद को टाइम दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, टारगेट सेट करिए, पूरा प्रीवियस पेपर निकालिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिए, आपका एग्जाम नहीं निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी तरफ से तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, एक बार एग्जाम दीजिए, एक बार में ही फाइट कीजिए, एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए मत दीजिए, एक्सपीरियंस जो लेना है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से ले लो, एग्जाम फाइनली फाइट करने के लिए दीजिए। थैंक यू।